नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और स्वागत करती हूं आपका समाचार एक्सप्रेस पर आज की अहम खबर के साथ। यह खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह जिले करनाल से जुड़ी है। करनाल जिले की विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी से आ रही यह खबर अपने आप में हैरान कर देने वाली है। यह खबर पुरानी नीलोखेड़ी के एक स्कूल से जुड़ी है। इस स्कूल की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है और साथ में स्कूल की बन रही बिल्डिंग के बाहर लगे बोर्ड की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी ध्यान से देख लीजिए और स्कूल का नाम भी पढ़ लीजिए। यह स्कूल है मानव विकास वर्ल्ड स्कूल। स्कूल के नाम से ही पता लगता है कि स्कूल को सीबीएसई से मान्यता दिलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सीबीएसई से मान्यता दिलाने से पहले इसकी इजाजत प्रदेश की मनोहर सरकार से लेनी होगी। फिलहाल बोर्ड पर 2020 से ओपनिंग स्कूल दर्शा दिया गया है ताकि ग्रामीणों को पता लगे कि स्कूल खुलने की तैयारी में है। जिस जगह यह स्कूल स्थापित किया गया है वह नीलोखेड़ी के गांव में है। करीब 3 किलोमीटर दूर तरावड़ी जैसा बड़ा कस्बा पड़ता है और रेलवे पुल पार करते ही नीलोखेड़ी शहर भी नजदीक आ जाता है। इसके अलावा स्कूल के आसपास छोटे मोटे दर्जनों गांव भी पड़ते हैं, यानी स्कूल चलाने वालों की मंशा भी साफ नजर आ रही है कि उनका इरादा सैकड़ों बच्चों को स्कूल में लाने का है ताकि स्कूल को कमाई का बड़ा जरिया बनाया जा सके। लेकिन समाचार एक्सप्रेस की नजर जब अचानक स्कूल पर पड़ी तो इस रास्ते में निकल रही हमारी टीम भी सकते में आ गई। सकते में पड़ने की मुख्य वजह यह थी कि जिस जमीन पर यह स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है उसी जमीन पर 33 केवी बिजली लाइन की वो हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं जो सीधे पावर हाउस से आ रही हैं। जब हमारी टीम ने मुआयना किया तो पता चला कि स्कूल में बनने जा रहे एक बड़े हिस्से के ऊपर से यह हाई वोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही है। हमने इस मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो चलिए आपको ले चलते हैं नीलोखेड़ी के उस गांव में जहां यह स्कूल बनाया जा रहा है। देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम पहुंची है पुरानी नीलोखेड़ी। जी, नीलोखेड़ी के साथ एक गांव है पुरानी नीलोखेड़ी। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई कोठी नहीं है, बल्कि एक स्कूल है जो बताया ये जा रहा है कि शायद मान्यता मिली है और इसी मार्च में, यानी कि इसी मार्च में महीने में इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। हमारा सिर्फ यहाँ आने का सिर्फ एक ख़ास मकसद ये था कि आपको मैं एक वो सीन दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन सनी चौधरी से कहूँगा कि ये गांव सीदपुर है अगला गांव, और ये सीधी वहाँ से 33 केवी की, ये देखिए आप, बिजली की तारों की ये लगातार लाइनिंग आ रही है। 33 केवी का मतलब समझते होंगे आप, पावर हाउस चलता है उससे। और ये देखिए बीच सड़क के साथ साथ ये डबल खंबा ही आप देख लीजिए कितनी मोटी तारें हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखना कि ये तारें जो हैं, देखिए आप किस तरफ जा रही हैं। ये स्कूल का जो खेल ग्राउंड बनाया गया है स्कूल के अंदर, ये बिल्कुल स्कूल के अंदर से जा रही हैं ये तारें। और आप इसको सोच सकते होंगे कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि इस स्कूल के अंदर किस तरह से परमिशन दी गई है। आप पहले इसे देख लें कि कैसे मान्यता मिल सकती है, जबकि जो नॉर्म कंडीशन होती है केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, मैं आपको बात करूं, जिक्र करूं, उसमें बताया जा रहा है कि इस तरह की परमिशन नहीं मिल सकती है कि अगर आपकी इतनी बिजली की जो इतनी बड़ी जो लाइनें जो 33 केवी की स्कूल के अंदर से जाती है अगर हैं, तो उसमें परमिशन मिलना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि आखिर अधिकारियों ने इस स्कूल को परमिशन कैसे ग्रांटेड कर दी, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें सैकड़ों बच्चे आएंगे और इन तारों के नीचे जो खेल ग्राउंड बनाया गया है इसमें वो खेलेंगे, और किस तरह से खतरनाक बात हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जो हैवी बिजली की जो तारें जा रही हैं ये शायद 11,000 केवी से भी ऊपर की तारें होंगी। और आपको मैं वैसे याद दिलाता हूँ, जैसा कि मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की है कि ये जो तारें, इसमें करंट बेहद तेज गति से और होता है, और ये 33 केवी में, और नीचे से
ऑटोमेटिकली ये अगर आप 6-7 फुट नीचे भी हैं तो कोई चीज़ अगर आप उसे छू जाती है तो ये खुद ब खुद जो है ना उसको खींच लेती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किस तरह से खतरनाक जो तारे हैं वो स्कूल के भीतर से जा रही हैं, और सरकार इस केंद्र की या प्रदेश की सरकार जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है किस तरह से ये ग्रांटेड परमिशन दी गई है। आपको हमने दिखाई स्कूल की बाकायदा बिल्डिंग दिखाई हमने आपको, स्कूल का पहला गेट भी दिखाया, और स्कूल के साथ साथ हमने आपको दिखाया कि कैसे स्कूल जो है युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौके पर जैसे हमें इस बात की भनक लगी तो हमारी टीम जो है मौके पर पहुंची और हमने आपको बताया कि कैसे इस तरह की परमिशन ग्रांटेड किस तरह से दी। बहुत बड़ा सवाल है, हम अधिकारियों से ज़रूर पूछेंगे कि आखिर इसमें बड़ा घालमेल है क्या। हरीश चावला कैमरामैन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस पुरानी नीलोखड़ी। आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पावर हाउस से आ रही बिजली की हाई वोल्टेज तारे बनने जा रहे स्कूल ग्राउंड के ऊपर से गुजर रही है। हमने इस मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, हमने इस मामले की पड़ताल के लिए स्कूल के निदेशक से भी बात की। इस खबर ने हमें उस समय भौचक्का कर दिया जब स्कूल के निदेशक और नीलोखेड़ी शिक्षा विभाग के शिक्षा खंड अधिकारी के बयान आपस में मेल नहीं खाए। स्कूल के निदेशक हुसनपाल ने हमें जब यह बताया कि हरियाणा सरकार ने परमिशन दे दी है तो हमें एक बात तसल्ली भी हो गई, लेकिन जब हमारी बात नीलोखेड़ी शिक्षा विभाग के कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल से हुई तो हम खुद भी भौचक्के रह गए, क्योंकि अधिकारी ने हमें बताया कि इस स्कूल को हरियाणा सरकार से कोई परमिशन नहीं मिली है। हमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, क्योंकि हम तभी समझ गए थे कि स्कूल को आखिर मान्यता कैसे मिल सकती है जब स्कूल ग्राउंड के ऊपर से या यूं कहें कि स्कूल के भीतर से 33 kV हाई वोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही हों। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, अब इसकी पड़ताल समाचार एक्सप्रेस करेगा। लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए स्कूल के निदेशक हुसनपाल की वह बात जो उन्होंने समाचार एक्सप्रेस के निदेशक अनिल नामा को बताई, आप इसे ध्यान से सुनिए। हेलो हुसनपाल जी बोल रहे हो? हेलो हुसनपाल जी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अनिल लंबा बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अनिल लंबा बोल रहा हूँ। अनिल लंबा जी। जी जी, ये जो आपका त्रावड़ी एक नया स्कूल बन गया है। हाँ जी, वहां से नंबर लिया आपका मैंने। अच्छा जी, बोलो। यहाँ अपना ये स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है? ये नई ब्रांच इस साल शुरू होगी और सीबीएसई से एफिलेट होगा। नहीं होगा या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, शुरू में तो ब्रांच जो है वो परमिशन मिलती है स्कूल ओपनिंग की। तो ओपनिंग क्लास, हाँ क्लास 7 तक बैठाते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई किया जाता है। नहीं, स्कूल ओपनिंग की परमिशन मिल गई है आपको? हाँ जी, हाँ जी, परमिशन मिल गई है। किसने दी? डीओ ने। किसने दी? हेलो, किसने दी? डीओ ने दी। किसने दी? ये डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे जी? आप मुझे ये व्हाट्सएप कर देंगे कि आपके पास परमिशन है? आप किस उससे बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अनिल लंबा समाचार एक्सप्रेस का MD बोल रहा हूँ, मेरा अपना न्यूज चैनल है। अच्छा जी, जी जी, तो जो रूटीन ओपनिंग परमिशन सबको मिलती है वही हमें मिली है? नहीं, जो मिली है मेरे पास ये बात आई है कि इनके पास परमिशन नहीं है, तो क्या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो वो जो आपके पास परमिशन मिल चुकी है बस? अच्छा जी, अभी तो मैं बाहर हूँ जी, और अभी ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं मान लो मैं उनको आपको व्हाट्सएप करूँ वो ठीक नहीं लगता। नहीं भाई, इसमें बुराई क्या है? किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लगता है कि जी परमिशन के बिना चल रहा है तो गवर्नमेंट एजेंसी इंक्वायरी करती है। अच्छा हुसनपाल जी, दूसरी बात मैं पूछता हूँ आपसे, ये जो स्कूल है इसके अंदर हाई टेंशन वायर गुजर रही है 33 kV की। जी, आपको ये भी पता होगा कि ये एक तो शिफ्ट हो सकती है नंबर 1। ऐसा है हुसनपाल जी, शिफ्ट हुई तो नहीं ना?
स्कूल शुरू तो नहीं हुआ भाई साहब। आपने कहा ओपनिंग की परमिशन मिल गई आपको, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि किस अधिकारी ने ओपनिंग की परमिशन दे दी आपको? क्या वो अंधा था क्या जिसने ये हाई टेंशन वायर नहीं देखी? चलो भाई वो तो देखो आप जैसा भी करोगे आप जानो। नहीं आपने जो कहा ना, आपने जो मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये जो परमिशन का सिस्टम जो होता है सीएलयू प्रोसेस में जी, इसमें बाकायदा हर लाइन के नीचे एक पट्टी का रेस्ट्रिक्शन होती है भाई, आपको इतनी पट्टी जो है क्लियर छोड़नी होती है जी, ठीक है जी। और ये सारी चीजें बाकायदा बायलाज में है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं। हुसैन पाल जी जी, कितना पढ़े लिखे हो भाई? मैं तो थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ। हुसैन पाल जी मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट के बायलाज क्या है, अगर आपको नहीं पता फिर मैं बता देता हूँ आपको वो बायलाज क्या है। आपका स्कूल कहीं भी बनेगा वहां नहर नहीं होनी चाहिए आसपास, उसके बीच में से आम रास्ता नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई हाई टेंशन वायर नहीं होनी चाहिए नजदीक नजदीक भी। और अच्छा कहते हो तो मैं लिखित में डाल लूं व्हाट्सएप पे, अगर आप स्कूल चला रहे हो या स्कूल में काम कर रहे हो अगर आपको बायलाज नहीं पता मैं बता देता हूँ बायलाज क्या है। चलो कोई बात नहीं, हो तो जैसा कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है काम करेगी वो तो चलो ठीक है जी, ठीक है कहीं जरूरत होगी तो हम इसमें जो पार्टीशन निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हमारे पास वो बाद की बातें हैं, अभी तो आपकी बाउंड्री देख रहा हूँ ना मैं कि बाउंड्री चारों तरफ से बाउंड्री कवर करके और अंदर ही हाई टेंशन वायर चल रही है। वो तो जो है हाई टेंशन वायर तो के साथ तो पार्टीशन भी निकल जाते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी निकला तो नहीं ना वो, वही ना अभी जो है कोई बच्चा तो नहीं बैठा ना इसमें? बच्चा बिठाने के लिए तो आप वो पंपलेट वगैरह दे ही रहे हो, आखिर तो उसमें प्रॉब्लम क्या है पंपलेट देने में भाई? तो आपने बिल्डिंग को दुरुस्त क्यों नहीं किया अभी तक? हाँ बिल्कुल यूज नहीं किया अभी तक। दुरुस्त क्यों नहीं किया वो हाई टेंशन वायर एक साइड क्यों नहीं की लास्ट पहले ही? हमारे क्वेश्चन उठाने से पहले हम आपके क्वेश्चन उठाए उससे पहले आपने उसको हाई टेंशन कारों को शिफ्ट क्यों नहीं करवाया? ऐसा है उसका प्रोसेस हमने आगे बढ़ाया हुआ है, नहीं भी हुई तो हम उसमें पार्टीशन वॉल देंगे इधर साइड में, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, सारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम। देखा है ना अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप बोर्ड भी लगा सकते हैं अभी जिस प्रकार से आपने बोर्ड लगा दिया वहां पर। चलो जो गवर्नमेंट एजेंसी है कार्रवाई करेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके ओके ठीक। तसल्ली वाला यह बयान आपने सुन लिया होगा, आपको लग रहा होगा कि स्कूल के निदेशक हुसैन पाल सच बोल रहे हैं, लेकिन अब आप निल्लोखेड़ी शिक्षा विभाग के कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपाल का यह बयान भी सुन लीजिए कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी गौर से सुनिएगा। हेलो, हाँ धर्मपाल जी, हाँ जी लांबा जी, मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई है स्कूल की जी, तो प्रिंसिपल अगर किला का जी, कोई एफिलिएशन नंबर तो कोई है नहीं, उन्होंने क्या करा जो भी नगर अंदर स्कूल है ना उसके, मैं भी पर्सनली देख कर आया उसका जी, मैं क्लाउड गया था रास्ते में गया था जी, तो अभी उसको कोई तो परमिशन नहीं मिली कहीं से भी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको मैंने बुलाया वो कहीं मर गया हुआ है, मैंने कहा था एक बार मेरे को आके मिल तो आप लोग धर्मपाल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसने बोर्ड कैसे लगा दिया? हाँ वही तो मैं पूछा था उसको भी, तेरा बोर्ड कैसे लगाया? बोर्ड बिना बोर्ड लगाना गलत है उसका, बिल्कुल मैं मान गया उसका, बोर्ड कैसे लगा दिया उसने? हाँ बोर्ड कैसे लगा दिया उसको, एफिलिएशन नंबर उसका कहीं नहीं है कहीं भी, बेशक नहीं है, मैं मान गया बोर्ड गलत लगा, मैंने उसको बुलाया वो कड़ी बार गया हुआ अनुभा जी पे, मैं आ जाऊंगा जी। तो एक सेकंड, एक मिनट, हरीश चावला जी मेरे साथ है जो चीफ एडिटर है हमारे, इनसे बात। धर्मपाल जी कैसे हो सर? उन्होंने तो पर्चे भी बंटवा दिए अखबारों में पंपलेट भी, नेक्स्ट सेशन में इसी सेशन में मार्च अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट है। ऐसा चावला साहब जी, अगर उसके पंपलेट होंगे तो हम वो भी कैप्चर करेंगे जी, मैं स्कूल बस देख के आता, एक्चुअल में उस स्कूल को अभी कोई मान्यता नहीं है, उसका हमारे पास फॉर्म नहीं आ रहा, मैं उसके लिए आना बोर्ड से भी बनता, सीबीएसई का तो मतलब क्या? हाँ मतलब समझिए, मतलब क्या, हाँ इतना जरूर है की पहले क्लास से बैठाने से पहले बिल्डिंग तो तैयार करनी होती है, वो प्रोसेस अपनी वो कर रहा होगा, बोर्ड तो मैं खुद देख के आया हूँ धर्मपाल जी। हाँ नहीं बोर्ड लग रहा है वहाँ, बोर्ड लग रहा है उसमें, कल लंबा साहब कहते हुए इसमें कोई एफिलिएशन नंबर लिख रखा, एफिलिएशन नंबर कोई है नहीं उसमें, वो तो लिख रखा है ये सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ उसने, ना ना वो तो गोरुंडा के लिए लिख रखा। अच्छा गोरुंडा के लिए, गोरुंडा के लिए लिख रखे, यहाँ ये जो है ना प्रिंसिपल है ये एक्स प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरुंडा सीबीएसई प्लस टू,
ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਅੱਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰ ਦਿਖਾ ਅਭੀ ਤੋ ਹਾਂ ਅਭੀ ਤੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਤਾ ਸ਼ੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਅਭੀ ਤੋ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਭੀ ਤੋ ਯੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਜ ਆਪਨੇ ਆਜ ਆਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੀ ਕੇ ਫਰੰਟ ਪੇ ਆਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾਬਾਦ ਸੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਬ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋ ਅੰਦਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੀ ਫਾਈਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਅਬ ਉਹ ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਅਭੀ ਅਗਰ ਕਿਆ ਤੁਮਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਬੈਠੇਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੱਡਣ ਦੇਗੇ ਨਾ ਮੈਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਗੇ ਹਮ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਇਸ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵਹੀਂ ਚਾ ਗਰਾਉਂਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਉਂਡਾ ਲਗਾ ਯਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਕਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਔਰ ਆਮ ਉਸਕੋ ਬੋਰਡ ਕੋ ਪੜਵਾਵੇਂ ਉਸ ਪਰ ਕੱਲ ਆਪ ਕੱਲ ਅਗਰ ਪੇਸ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਓ ਬਾਈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਨੀਲੋ ਖੇੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਕਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਚਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋ ਚੌਕਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਹਾ ਹੈ स्कूल के निदेशक हुसन पाल ने आखिर हमसे क्यों कहा कि पंचकुला स्थित शिक्षा विभाग के निदेशालय से उन्हें परमिशन मिल गई है आखिर हुसन पाल हमें कागजात दिखाने को तैयार क्यों नहीं है अब आपको भी समझ में आ गया होगा आखिर सरकारी अधिकारी झूठ कैसे बोल सकता है उनके पास अभी स्कूल की कोई फाइल पहुंची ही नहीं है आपने कल की एक खबर आज के अखबारों में पढ़ी होगी कि रोहतक के सुनारिया रोड पर स्थित मानव रचना ग्लोबल स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र निखिल की मौत हो गई है क्योंकि खेल मैदान में लगे लोहे का पोल छात्र के सिर पर गिर गया था यह तो केवल लोहे का एक पोल था जिसके गिरने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई यह तो 33 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की तारे हैं जिसमें कितना जबरदस्त करंट दौड़ता है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं इसलिए सरकार ने मानक तय कर दिए हैं कि यदि कोई वोल्टेज की तारे स्कूल के ऊपर से गुजर रही हैं, तो उसे मान्यता नहीं दी जा सकती यह केवल हरियाणा सरकार का ही नियम नहीं है बल्कि सीबीएसई बोर्ड का भी यही नियम है अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह उभर कर सामने आ रहा है कि जब स्कूल के भीतर बिजली की हाई वोल्टेज की तारे गुजर रही हैं तो आखिर स्थान पर स्कूल का निर्माण कैसे हो सकता है क्या लाखों रुपया खर्च करके स्कूल का निर्माण इसलिए करवाया जा रहा है कि यहां बच्चे दाखिल करके लाखों रुपए कमाए जा सके ये ध्यान में नहीं आया कि हाई वोल्टेज तारे गुजर रही हैं उसका क्या होगा क्या यह बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं है आखिर ऐसे निर्माण के पीछे किस राजनेता का हाथ है क्या किसी राजनेता को रुपयों का तमाचा मारा गया है अब यह मामला इसलिए भी गंभीर है कि जब स्कूल के निदेशक पत्रकारों को दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हों तो स्कूल के अंदर क्या हाल होगा अब आप खुद सोच लीजिए समाचार एक्सप्रेस को सीधा सीधा सवाल यह है कि दोनों में से झूठ बोल कौन रहा है यदि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो यदि स्कूल के निदेशक झूठ बोल रहे हैं तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं सोच ले कि अब स्कूल का करना क्या है तो ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस कर क्योंकि समाचार एक्सप्रेस खबर छिपाता नहीं दिखाता है जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।